अखिल महाराष्ट्र अनुदानित डी एड स्कूल के अध्यापक मुंबई के आजाद मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से सरकार से अपनी हक मांग रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है। जहाँ तक इन अध्यापकों की बात करें तो यह अध्यापक पिछले 25 से 30 सालों से लोगों को अपनी सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला। जहाँ तक डीएड स्कूल की बात करें तो आज भी लगभग 150 डीएड स्कूल चल रहे हैं और कुल 2270 अध्यापक अपनी सेवा इन स्कूलों में देते आ रहे हैं, लेकिन आज इन अध्यापकों की हालत यह है कि यह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं और बेरोजगारी के कगार पर आ चुके हैं। इन लोगों की सरकार से यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द वेतन का भुगतान करें और कहीं ना कहीं हमें स्थायी करें। शिक्षण और क्रीड़ा मंत्रालय के 4 विभाग है, उसमें से अध्यापक विद्यालय ये भी एक विभाग है, जैसे कि प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है और ये अध्यापक विद्यालय ये भी एक विभाग है। बाकी के तीनों विभागों को शासन स्तर पर अनुदान की योजनाएं लागू की गई है, अनुदान दिया गया है, जिनका कायम शब्द जो कि निकाल के अनुदान दिया गया है, हमारा जो है कायम शब्द नहीं है, परमानेंट नॉन एडेड नहीं है, हमारा एडेड है, नॉन एडेड है ओनली। तो हमारी मांग यह है कि शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने 1980 से अब 2001 तक जो 115 कॉलेज को नॉन एडेड रूप से बिना अनुदान तत्व के स्वरूप से मान्यता दी है, उन लोगों को ग्रांट मिलनी चाहिए और उसके कार्यरत जो 2270 कर्मचारी है उनको भी यह अनुदान मिलना चाहिए। यह हमारी सही मांग है।